और आप लोग का इन लोग का सहयोग चाहिए कि ताकि सरकार से आपको हक दिलाना चाहते हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि है मोदी, जरा रुको, सोचो और समझो। तुमने लोहार जाति का हक छीनकर तुम अपने नहीं तो अपने भावी संतान के गर्दन पर छुरी चला रहे हो। तुम मानवता के कलंक हो, लोग तुमसे घृणा करते जा रहे हैं। अगर अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कान करके सुन लो कि निकट भविष्य में युवा शक्ति अच्छा नहीं कर सकता। मैं धरना सरमान मलखाना चौक छपरावाद नमस्कार। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं वक्ताओं से कि अपने अधिकार के बात कीजिए। इसी तरह का उन्होंने जुलूल है, संबोधन में अपनी बात को नहीं रखेंगे। यह आग्रह है, निवेदन है, यह आपका कार्यक्रम है। आप यहां पर अपने अधिकार के लिए आए हैं और बहुत जल्द जिनको जिनके इंतजार में हम सभी यहां पर हैं, हम सबों के बीच में आने वाले हैं। मैं अब निवेदन करूंगा, राम नरेश शर्मा वैशाली के जिला अध्यक्ष हैं, आप आए और अपनी बातों को रखें। राम नरेश शर्मा जी, सर बुलवा रहे, कोई बात नहीं, हम नेता नहीं है, मंच पर बैठे हुए हमारे कोने कोने से आए हुए हैं, हमारे लोहार युवा मोर्चा के बैनर तले आप सभी लोहार भाई पूरे बिहार से हम फोन करते हैं तो मन खराब है। बहुत सारी संख्या में आपको काम करने के सभी लोगों को राम नरेश शर्मा जी के ओर से तहे दिल से धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में महेश विश्वकर्मा जाना वक्त तैयार है। अगर हम लोग इसी तरह कार्यक्रम को सफल बनाए और भीड़ इकट्ठा करें तो हमारा हक दूर नहीं है, हम सभी अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। इसी जन शब्दों के साथ लोहार एकता जिंदाबाद, 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 लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश जी। मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो भी अपने समाज के लोग इधर उधर है अभी भी घूम रहे हैं बगल के दक्षिण साइड में, अभी कुर्सी खाली है, आप एक अनुशासित परिवार के सदस्य हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब